मतलब मम्मी जॉब करते थे वहाँ पे दिल्ली बाईपास पे, तो मम्मी ने देखा कि बच्चे गेम वगैरह कर रहे हैं, तो मम्मी घर आके बताते थे कि ऐसे ऐसे बच्चे गेम करते हैं। तो कंटिन्यू मम्मी 3-4 दिन से देख रहे थे उन बच्चों को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे वो टाइक्वांडो की मार्शल आर्ट्स की। तो मम्मी के बताने के बाद थोड़ा मेरे माइंड में आया कि हाँ मतलब होता होगा, मुझे पहले पता नहीं था गेम क्या होती है, गेम की लाइफ क्या होती है, कुछ भी नहीं पता था। घर आके जैसे मम्मी ने बताया तो मम्मी बोले कि ना मैं बात करके आऊँगी कोच से कि कैसे कैसे सिखाते हैं, कि उसी मतलब क्या बात है और ऐसे ऐसे मतलब मेरी लड़की है कर सकती है नहीं कर सकती। तो मम्मी कोच के पास बात करके आते हैं, तो कोच बोलते हैं मम्मी को समझाते हैं कि मतलब वो लड़की कर सकती है गेम और अच्छा करेगी आगे जाएगी। मैं ही हूँ जो झाड़ू पोछा लगाऊं, या घर में लगाओ या बाहर लगाओ, काम तो काम ही है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। उसके साथ में लड़ाई करके आ गई मैं, कोई नहीं कि मैं तू नहीं हेल्प करेगा कि मेरी लड़की का स्वागत नहीं होवेगा। जैसे और बिरादरियों में होता है अब भाई चल आगे बढ़े बढ़ाए अपने बच्चों के आगे बढ़ाए, हमारे में तो उल्टे पीछे ही किच्छ है, कोई आगे नहीं बढ़ाता। तो यो हकीकत बात है, जो जाट जमींदार, अगर जाट जमींदार की लड़की होती ना आज, या उरा नहीं होती या हाई लेवल पर होती, क्योंकि उनमें एक क्लास है, इतना कुछ उन्हें ना करा नहीं है जितना इसने कर लिया। देख ले पकड़ ले जा, पॉलिटिक्स है भाई गेम में, बहुत पॉलिटिक्स है। हाँ नेशनल मैंने 5 बार गोल्ड मेडल निकाला है। फर्स्ट टाइम मेरा 2016 में ही मेडल आया था, मैं शिमला खेलने गई थी, तो मुझे जब 2016 में मैं खेल के आई थी, जब मेरा गोल्ड मेडल आया था नेशनल में, जब से ही मुझे गेम की लगन हुई थी, जब से ही मेरा ये था कि मुझे गेम करना है और टाइक्वांडो में ही ओलंपिक खेलना है। बट अब भी है मन में इतनी लगन है कि मैं टाइक्वांडो गेम करना चाहती हूँ, बट फाइनेंशियली प्रॉब्लम के लिए नहीं कर पाई मैं। जो ताइक्वांडो करती है उसमें उसको उन बच्चों को कुछ नहीं मिलता, बेचारे सुबह शाम तक मेहनत करते हैं, स्टेट खेलते हैं, नेशनल खेलते हैं, फिर उसके बाद इंटरनेशनल खेलते हैं, लेकिन ना गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिलता है और ना कोई फ़ायदा होता है, तो इसलिए वो यहाँ पे आई है। अब ये होता है ना कि अब फैमिली वालों ने एक चैंपियनशिप में लगा दी है, नेशनल में लगा दिए पैसे, नेशनल की स्कॉलरशिप आ रही है, अगले साल जो नेशनल की उसका खर्चा निकल जाएगा भाई, हर साल 2-2 लाख रुपए फैमिली, 3-3 लाख रुपए फैमिली वाले कौन से लाएंगे। एक बार चली जाऊंगी कोई दिक्कत नहीं है, और एक बार जाऊंगी जब दोबारा भी तो लाना पड़ेगा ना।
दुकान पे लग रहा था, दुकान पे तो आया ही कोनी बस उस दिन। फिर मैंने सोची मैं कहीं जा रहा होगा किसी के साथ, यार दोस्त के साथ। फिर वो मेरे जेठ था उस तक पूछी, बड़े पापा था, बड़ा पापा कहते हैं हम सारे भाई, ये चार भाई थे ना, बड़ा मेरा जेठ है, फिर दूसरे नंबर पर मैं, तीसरे पर एक और है। तो फिर नू घर में पूछी, इसके दादा था पूछी, तो फिर वो कहने लगे आ जाएगा कोई नहीं, कब तक किसी के साथ जा रहा हो। फिर नू ये बातचीत करी, कहीं नहीं पता चला। फिर हमने अखबार कबूर में कटवाई, कहीं कहीं जहाँ भी किसी ने बताया गए ढूंढन, तो मिला नहीं कहीं पे भी। पता नहीं किस किस के सामने हाथ जोड़ने पड़े, किसको रिक्वेस्ट करनी पड़ी, बहुत ही मुश्किल से बना था पासपोर्ट भी। अगर मेरे पापा होते ना तो जो ये प्रॉब्लम से मैं निकल रही हूँ, ये प्रॉब्लम ना आती मेरी लाइफ में, अगर मेरे पापा होते तो। तो कोच बोले प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, बस ये तेरा मतलब कंपटीशन है, इसमें देखते हैं तू क्या कर सकती है नहीं कर सकती आगे गेम। मैंने मम्मी को बताई कि कोच ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो मम्मी बोली तेरे को लंदन जाना है खेलने। तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी थी, बहुत ही ज़्यादा, जा भी नहीं पाई जा नहीं पाई, वीज़ा नहीं लगा था और पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुआ था, और इतने दिनों में मैं प्रैक्टिस तो कर रही थी, कोच ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे बीच में मेरे ऊपर। तो होता है ऐसे, कोच ये सोचते हैं कि मतलब ये क्यों आगे जाए, ये क्यों ना जाए, होता है ऐसी चीज़ें कि हमारी मतलब ये हमारी रिलेटिव है, इसको भेजेंगे आगे, इसको ना भेजे, ऐसी चीज़ें बहुत होती है स्पोर्ट्स में। तनाव बढ़ना, कोई तो ऐसा गेम होगा जिसमें आगे बढ़ेगी, इस ना छोड़ का ताइक्वांडो ना छोड़ का, कोई तो गेम ऐसा होगा जिसमें आगे बढ़ेगी, जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं होगी, क्या आमने सामने की टक्कर होगी, एक दूसरा बच्चा होगा, एक तू होगी, उस ना काट का तू आगे बढ़ेगी। और इनमें इन गेम में ये है मार्शल आर्ट्स में, जैसे फाइट भी हो रही है ना, मैंने किक मारी, पॉइंट अगले को मिल रहे हैं, क्लोज आ जाते हैं, किक लगती है, पता नहीं लगती, बीच में पॉइंट बना देते हैं। तो ना मन भी नहीं करता गेम लाइन में। अब कल मैं यही सोच रही थी कि स्पोर्ट्स में कुछ नहीं है, छोड़ दे, फालतू की चीज़ें है ये वो। फिर एक टाइम ये सोचती हूँ कि नहीं तू रनिंग कर सकती है, रनिंग में कर, रनिंग में सबके सामने भागना है, सबको जो भी कुछ गलती मतलब भागेंगे, आगे आएंगे, फर्स्ट आएंगे, पीछे आएंगे, सबको दिखेगा रनिंग में। रनिंग एक ऐसा गेम है पूरी पब्लिक देखती है उसको, उसमें कोई चीटिंग नहीं हो सकती। बहुत बार आई है दिमाग में, पर फिर भी एक उम्मीद है मन में कि कोई नहीं, जैसा हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली तो साथ है ना।